टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैली प्राइम में इसकी एंट्री कैसे की जाए इसके बारे में पहले हम बात कर चुके हैं जबकि हम टैली ईआरपी 9 पढ़ा करते थे। आज टैली प्राइम की बात करूंगा। तो देखिए कुछ लेजर्स आपको बनाने होंगे और उससे भी पहले टीडीएस जो कि टैक्स है उसको ऑप्शन इनेबल करना होगा। आप टीडीएस की एंट्री जनरल वाउचर में पास करें तो बेहतर है, आपको जनरल वाउचर में ही एंट्री पास करनी चाहिए। चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले वाउचर में चलते हैं। अब वाउचर में भी जाने के पहले हमें याद आया कि क्या हमने इनेबल किया है या नहीं टैक्सेस की डिटेल, तो F11 की प्रेस कीजिए गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए। जैसे ही F11 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये सारी डिटेल और यहाँ पर टैक्सेशन का आपको सेक्शन दिखाई पड़ेगा और टैक्सेशन के सेक्शन में हमें सिर्फ टीडीएस चालू करना है। ठीक है, तो टीडीएस चालू करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसको आप वाई प्रेस कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। होते हैं तो कुछ भी ऐसे डाल करके आगे बढ़ते हैं और फिर यहाँ पर देखिए ये जो है 10 नंबर जिस अकाउंट में कलेक्ट होगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ टैक्स डिडक्शन एंड 10 नंबर यहाँ पर डालना है आपको। ये आपका 10 का रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पर आपको 10 नंबर डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको सजेस्ट करेगा कि आपको किस तरह से 10 नंबर डालना चाहिए। ठीक है, अगर आप गलत डालते हैं तो ये आपको सजेस्ट भी करेगा। लाइक यहाँ पे बता रहा है कि 10 नंबर डालते समय कम से कम 4 अल्फाबेट 5 न्यूमेरिक और फिर 1 अल्फाबेट होना चाहिए। अब ये सही हो गया। अब यहाँ पर इसे हम कंपनी रखेंगे और यहाँ पर ब्रांच या डिवीजन का जो भी नाम हो वो आप दे दीजिए। मैं यहाँ पे देवरिया डाल देता हूँ, एंटरप्रेस कर देता हूँ, एंटरप्रेस करके और ये डिटेल। और यहाँ पे दिया हुआ है सेट अल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, जो इसके लिए पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम वगैरह डाल दीजिए। तो यहाँ मैं नाम डाल देता हूँ, एंटरप्रेस किया, यहाँ पे ये डाल दिया हमने और डेजिग्नेशन जो भी इनका डेजिग्नेशन है वो डाल देता हूँ और इनका पैन नंबर डाल देता हूँ। लाइक ये डाल दिया हमने। ठीक है, बाकी सारी डिटेल फिल करके और यहाँ पर इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। ठीक है, ये एक्सेप्ट हो गया और कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूँ तो ये हमारा टीडीएस ऑप्शन चालू हो जाएगा। और टीडीएस ऑप्शन चालू करने के बाद कुछ लेजर्स आपको बनाने हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से लेजर आपको क्रिएट करना है। ठीक है, क्रिएट पे चले जाइएगा और क्रिएट पे जाने के बाद लेजर्स में आ जाइएगा और लेजर्स में क्या क्या आपको फिल करना है वो दिखा देता हूँ, मैंने पहले से बना रखा है। ये देखिए यहाँ पर आता हूँ तो सबसे पहले क्योंकि हमें यहाँ पे रेंट पे करना है, टीडीएस सर्विसेज पे लगता है, ये बात याद रखिएगा, टीडीएस सर्विसेज पे लगता है, गुड्स पे टीडीएस नहीं लगता है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर रेंट ऑन बिल्डिंग ये हमने बनाया है और इसे हमने डाल दिया है इनडायरेक्ट। ठीक है, ये नहीं रखेंगे तो, लेकिन हमने यहाँ रेंट ऑन बिल्डिंग दे दिया है, आप भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये एक्सपेंस का पहला लेजर क्रिएट हो गया। ठीक है, दूसरा क्रेडिटर पार्टी का लेजर बहुत सावधानी से बनाना है। तो ये क्रेडिटर पार्टी है, ठीक है, रामजी क्रेडिटर मैंने दिया है और इसे सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में डालेंगे और यहाँ टीडीएस डिडक्टेबल होगा तो यहाँ यस करेंगे और यहाँ पर टाइप चूज कर लीजिएगा, डिडक्टी टाइप जो आपको लगे कि ये हमारा डिडक्टी टाइप हो सकता है उसको आपको चूज करना है। ठीक है, थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। तो यहाँ कंपनी रेजिडेंस मैंने दे दिया है, यहाँ पर नीचे आता हूँ तो यहाँ पे ये कंपनी रेजिडेंस रहेगा, ये हो गया। अब यहाँ पे नीचे आता हूं तो डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, तो हमें इसी वाउचर में टीडीएस डिडक्ट करना है, एंटर प्रेस करते हुए यहां पर इनका पैन नंबर देना है। ठीक है, तो यहां पर इनका पैन नंबर दे देते हैं, ये इस तरीके से ये हमने पैन नंबर दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे प्रोवाइड पैन डिटेल्स, तो क्रेडिटर पार्टी का पैन नंबर देना जरूरी है, अदरवाइज 20% टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। तो हमने पैन नंबर डाल दिया और यहाँ पे इसे डिटेल को यस कर दिया और यहाँ से इसे एक्सेप्ट करा लिया। तो इस तरह से ये कुछ लेजर्स हमने बना लिए। ठीक है, इसके बाद एक और लेजर है जो कि टीडीएस का है, ये देख सकते हैं आप, इसे भी आपको क्रिएट करना है और कुछ इस तरह से क्रिएट करना है। ये देख सकते हैं नेचर ऑफ पेमेंट, हमने यहाँ पे रेंट ऑन बिल्डिंग चूंकि बनाया था तो यही रख दिया है। अगर आपने ए नहीं रखा है तो आप ए नहीं रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आ गए और इसको यहाँ से बाहर आ जाइए। अब एंट्री पास करनी है, कैसे एंट्री पास करेंगे तो यहाँ से जा करके सबसे पहले रेंट हम पे कर रहे हैं तो रेंट का लेजर हमें लगा देना है। तो रेंट ऑन बिल्डिंग ये दिया है हमने, अब कितना रेंट पे हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3,40,000 रुपया पे हो रहा है। ठीक है, तो ये 3,40,000 रुपए डाल दिया हमने। अब यहाँ पे क्रेडिटर पार्टी का नाम आ रहा है तो यहाँ पर आपको खुद से लिखने की जरूरत नहीं, ये खुद को खुद डिडक्ट करके दे देगा अगर आपने सही से डिटेल फिल किया है, सही से लेजर्स वगैरह क्रिएट किए हैं तो।
आपको कुछ भी करना नहीं है। तो कैसे होगा ये, तो अभी यहां पे क्या करता हूं मैं, क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगाता हूं। तो राम जी क्रेडिटर, यही हमारी क्रेडिटर पार्टी है, ठीक है, इसको हमने लगाया। तो यहां पे देख सकते हैं, यहां पे रेंट है 340,000 और यहां पे देख सकते हैं 306,000 रुपए आ रहा है, ठीक है, ये अपने आप डिडक्ट कर लेगा। अब यहां पर जैसे ही आएंगे तो फिर यहां क्रेडिट आ रहा है और क्रेडिट में हमें टीडीएस रखना है, तो ये सिंपली टीडीएस हमने बनाया हुआ है। यहां पे जैसे ही आएंगे तो 34,000 रुपए आपका टीडीएस कटा हुआ है, ये निकल करके आ गया। ये बहुत इजी है, यहां पर आप लिख देंगे टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड, ठीक है, और ये लिख करके और इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ टीडीएस के लेजर्स की एंट्री पास कर सकते हैं। इसके पहले भी बताया था मैंने और टैली प्राइम में भी, और भी वीडियोस डाल दूंगा जिसके थ्रू आपको ये क्लियर हो जाए। हाँ, सेक्शंस वगैरह में कंफ्यूजन होगी तो सेक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा, जैसे बिल्डिंग है, रेंट है, एडवर्टीजमेंट है, तो सबका अलग अलग सेक्शन है, ठीक है, तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।